कर्नाटक का नाटक फिलहाल खत्म होता दिखाई नहीं देता। इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि शनिवार शाम 4 बजे तक सदन में बहुमत परीक्षण हो। इसके पहले बीजेपी के वकील मुकुल रोहतगी ने दलील देते हुए कहा कि प्रोटेम स्पीकर भी बनाया जाना चाहिए, वाजिब वक्त मिले। कांग्रेस और जेडीएस ने अपने विधायक दूर बंद कर रखे हैं, उन्हें लाने में भी वक्त लगेगा। बीजेपी के वकील मुकुल रोहतगी ने तत्काल फ्लोर टेस्ट कराए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कम से कम 1 सप्ताह का समय मिलना चाहिए, ये राज्यपाल का विशेष अधिकार है। 1 दिन में फ्लोर टेस्ट का निर्देश देकर संतुलन नहीं बनाया जा सकता। इधर कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा कि शनिवार को शक्ति परीक्षण के लिए हम तैयार हैं। कपिल सिब्बल ने भी कहा कि कांग्रेस के साथ जेडीएस भी जल्द फ्लोर टेस्ट चाहती है, फ्लोर टेस्ट तुरंत होना चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारे पास सभी विधायकों के दस्तखत वाली चिट्ठी है। रोहतगी और तुषार ने कहा कि फ्लोर टेस्ट से ही सच सामने आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कर्नाटक की राजनीति क्या करवट बदलती है, जल्द ही पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज़।